आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। हम लोग प्रभु का अनुग्रह में आज इस जगह में, मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में ऐसा सब्जेक्ट लेके आए हूँ। आपको मालूम है, हम लोग बहुत बार सुने विश्वासी का अनंत जीवन का बारे में, हम लोग सुने स्वर्ग और नरक का बारे में, हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको मृत्यु का बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत बार हम लोग को मृत्यु शब्द सुनते ही हम लोग डरते हैं। आपको मालूम है, मृत्यु सुनते ही किसका मृत्यु हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हम लोग यही डर जाते हैं। महामारी को याद होता है, कोविड का टाइम को हम लोग याद करते हैं, मृत्यु बोलने से हम लोग याद करते हैं, मृत्यु बोलने से अपना बीमार लोगों को, और हम लोग अपने आप में डरते हैं, सोचते हैं और सोचते हुए हम लोग डरते हैं, मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं वही मृत्यु के बारे में बताने जा रहा हूं। मृत्यु दो प्रकार के होते हैं, पहला मृत्यु भौतिक या शारीरिक मृत्यु, और दूसरा मृत्यु आत्मिक मृत्यु, मेरे प्रियो। लेकिन रोमियो का पुस्तक, आइए मेरे साथ उल्टा, ये 5:12, रोमी का पुस्तक 5:12 यहां ऐसा बोलता, सुनिएगा, इसलिए जैसा एक मनुष्यों के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आए, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गए क्योंकि सब ने पाप किया है। हालेलुया। पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य मृत्यु को वर्णन करता है, मेरे प्रियो। पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य मृत्यु को वर्णन करता है। इसका मतलब, यदि पाप ना होता, इंसान का जन्म मृत्यु नहीं आता, वचन तो यही ना कहती है। लेकिन आपको मालूम है, मृत्यु शब्द ऐसा है, मृत्यु ऐसा चीज है जो ईश्वर और इंसान दोनों का शत्रु है, परमेश्वर का भी शत्रु है मृत्यु। क्यों? क्योंकि आइए मेरे साथ इब्रानी का पुस्तक 2:15 को देखें, इब्रानियों 2:15, उसे आगे हम पढ़ के सुना रहे हैं। पहला कुरंथियों के पुस्तक 15, आप कोई इब्रानी का पुस्तक निकालिए, हम पहला कुरंथियों के पुस्तक 15:26 को पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग निकालिए इब्रानी का पुस्तक। यहां ऐसा बोलता, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। परमेश्वर का शत्रु वह मृत्यु, परमेश्वर का बैरी वह मृत्यु, अंतिम में उसको भी नष्ट किया जाएगा बोल के वचन बोलता है। लेकिन इब्रानी का पुस्तक पढ़िए तो क्या बोलता, इब्रानियों 2:15 जोर से पढ़िए, जितने लोग मृत्यु के भय में मरे जीवन भर। हालेलुया। आप लोग कोई भी वचन पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, और जितने लोग मृत्यु के भय से मरे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, छुड़ा ले। हालेलुया। ईश्वर मृत्यु का डर से जीने वाला लोगों को भी छुड़ा के ले आएगा। हालेलुया। हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? हम लोग जानते हैं एक दिन मर जाना है, 2 दिन का लीला है, मेला करने आए हम लोग, जाना है तो भी बीमार होते समय दवाई काहे लेते हैं, काहे प्रार्थना करते हैं, काहे हॉस्पिटल जाते हैं? क्योंकि जितना दिन जिए अच्छा से जिए, हम लोग का आशा यही होता है। लेकिन मृत्यु का दासत्व में पड़ते हुए डर के मारे जीने वाले लोगों को भी प्रभु छुड़ा लेता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का भी शत्रु कौन है? मृत्यु है, अंतिम बैरी मृत्यु है बोलता। लेकिन मेरे प्रियो, जहां शरीर मर जाता, इस शरीर जलाएंगे क्या होता? राख होता। दफनाएंगे क्या होता? राख। हालेलुया। मेरे प्रियो, शरीर मर जाता है, जलाएंगे तो क्या होता? क्या होता? राख होता, मिट्टी में मिलता। दफनाएंगे तो क्या होता? मिट्टी होता, मिट्टी में मिलता। वचन कहता मिट्टी से बना हुआ इंसान मिट्टी में मिल जाता, कुछ हो नहीं,
जो चीज हम लोग कमा लेते हैं वो लेके जाएंगे नहीं, जो चीज हम लोगों का हाथ में होता है वो चीज यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन दानियल के पुस्तक, दानियल का आगे एसाया के पुस्तक 26:19, एसाया 26:19 क्या बोलता, एसाया 26:19, एसाया 26:19 में क्या बोलता है सुनिएगा बच्चन। 26:19 तेरे मरे हुए लोग, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे भी उठ खड़े होंगे, मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बसने वालों जय जयकार करो, जाकर हालेलुया करो, क्योंकि क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है, ज्योति से उत्पन्न होती है, पृथ्वी लौटा देगी, हालेलुया, मरे हुए लोगों को लौटा देगी। आप और मेरा दादा परदादा तो हम लोग देखे नहीं थे। बच्चन कहती है जाति जाति के लोग, भाषी भाषी के लोग एक साथ लाइन में खड़े रहेंगे, उन लोग उस दिन हम लोग पहचानेंगे मेरे प्रियो। यही ना हम लोगों का है, हम लोग दुआ क्यों करते हैं, यही चलते मेरे लोग, मेरे भाषी के लोग, मेरे जाति के लोग प्रभु तुझमें बच जाए। क्योंकि यह बच्चन कहता है पृथ्वी चाहे आप जलाएं चाहे दफनाएं हर एक लोगों को मुर्दा को वापस कर देगी। लेकिन दानियल का पुस्तक 12:2 में बोलता चाहे जले हो चाहे दफनाए हो सब लोगों का शरीर मिट्टी में मिल चुका होता लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। दानियल 12:2 सुनिए हम पढ़ रहे हैं, दानियल का पुस्तक 12:2 क्या बोलता है सुने, यहां ऐसा बोलता जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, कौन लोग सोएगा भूमि के नीचे, जिंदा लोग, बक्षा में कौन सोता, मरे हुए लोग, यहां बोलता उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, हालेलुया, सब लोग जाग उठेंगे नहीं बोलता मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग क्या होंगे जी उठेंगे, किसके लिए, कितने तो सदा के जीवन के लिए, अनंत काल का जीवन के लिए, जिसका भाग्य आप और हम है यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, और कितने तो अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौनी ठहरने के लिए, दंडा भोगने के लिए। मेरे प्रियो वचन यह कहता है मृत्यु, मृत्यु के बाद न्याय अनिवार्य है। लोग बोलता ना मरने के बाद खत्म है, लेकिन नहीं, मरने के बाद फलाना राजा है बोलता नहीं मेरे प्रियो, मरने के बाद ये शरीरियां छोड़ देते, ये आत्मा कभी नहीं मरता, न्याय में खड़े रहेगा मेरे प्रियो। आप पर मेरा प्रतिदिन किया हुआ कर्म को जीवन की पुस्तक उलट उलट के हम लोग का जीवन में न्याय होगा मेरे प्रियो, इसलिए तो हम लोग डरते हैं। इसलिए आज हम लोग मृत्यु के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। आइए रोमी का पुस्तक 5:5, रोमी 5:12 जो हम लोग पढ़ चुके थे फिर एक बार हम पढ़ के सुनाने चाहता हूं, 5:12 रोमी, रोमी 5:12 जिसको मिला पढ़ दीजिए। यहां बोलता आदम की पाप से प्रभावित हो जाता है इंसान, पढ़िए, इसीलिए इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। और 13 में बोलता व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था परंतु जहां व्यवस्था नहीं था वहां पाप गिना नहीं गया। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। और यहां बोलता कि जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाला का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न गिना। और 15 पढ़िए तो जैसे जैसे अपराध की दशा आए वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा और ज्यादा हुआ। हालेलुया मेरे प्रियो, आदम से आदम की पाप से प्रभावित हुआ इंसान, जहां भौतिक शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु को भोगना पड़ रहा था,
लेकिन यहाँ वचन बोलता यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हम लोग के जीवन में आई। आज हम लोगों को जो आत्मिक मृत्यु था, यीशु मसीह विश्वास करने वालों के लिए आत्मिक मृत्यु का स्वाद चखना नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर भौतिक रूप में हम लोग जल जाते हैं या दफनाए जाते हैं, मिट्टी बनना है, खत्म हो जाता। लेकिन आत्मा के लिए जो कुछ हम शरीर में कमाए हुए धन संपत्ति लता कपड़ा हम लोग छोड़ देते हैं, संगी संबंधी, लेकिन जो आत्मा में कमाए हुआ चीज, जो ईश्वर के लिए किया हुआ चीज सदा हम लोग साथ में लेके जाएंगे, अनंत जीवन का भागी बनते समय मेरे प्रियो। इसलिए यहां बोलता हम लोगों का आत्मिक मृत्यु नहीं होता, आदम से पाप का प्रवाहित हुआ चीज यीशु मसीह के द्वारा, दूसरा आदम जिसको बोलता हम लोग पाप से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। 6 अध्याय में ऐसा बोलता, पढ़ना नहीं है, 6:23 बोलता पाप का मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह उस पाप का प्रभाव को बदल सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं पाप का मजदूरी मृत्यु, किसी को कोई मार देता और अपने आप को छिप के रह जाता, उसको मालूम है उसको हमने मारे था, हमको भी मारता तो भी छिप जाता है। क्यों? पाप का मजदूरी जैसे करनी वैसे भरनी, तूने जैसा किया वैसे तेरे जीवन आएगा, मालूम होते हुए हम वैसे करते हैं, छिटे लगा देते हैं, गिरा देते हैं, लोगों को चीटी काट देते हैं, वो भी हमको करेगा, मालूम है पाप का मजदूरी मृत्यु है। लेकिन वो मृत्यु का प्रभाव को भी मसीह यीशु बदल डालता है। हालेलुया मेरे प्रियो, हमने पाप नहीं किए लेकिन आदि माता पिता ने पाप किए, और जिसके कारण मेरा जन्म स्वभाव सिद्ध, मैं पापी स्वभाव में पैदा हुआ हूं, क्योंकि भजन संहिता में दाऊद कहता मेरी माँ ने मुझे पाप में गर्भ धारण की और मैं पाप में पैदा हुआ, इसीलिए मैं एक पापी हूं। और ये पाप का प्रभाव को बदलने के लिए मुझे कुछ धर्म करना था, कुछ त्याग करना था, कुछ जीवन ऐसे जीना था, लेकिन हो नहीं सकता, बलि चढ़ा नहीं सकते, जिसके चलते यीशु मसीह आप पर मेरा पाप के बदले क्रूस पर मरा। मेरे प्रिय अभी ये महीना हम लोग महापाप उपवास का काल में, ये महीना हम लोग प्रभु यीशु का क्रूसीकरण का समय में हम लोग आ रहे हैं, हर तो मैसेज को सुनते हैं, ये पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु क्रूस पर मरा है मेरे प्रियो। जब हम लोग जानते हैं उस चीजों को, तब हम जानते हैं कि मेरा क्षण भर का स्वर्गीय है, मुझे अभी धर्म कर्म करके कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु को दिल में लेना है, यीशु का वचन के मुताबिक चलना हो, तब तो वो पाप का प्रभाव को भी बदलने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। पहला कुरंथी 15:12 पद बोलता अंत में भौतिक और शारीरिक मृत्यु भी विजय पा लेती है। हालेलुया। भौतिक शारीरिक जीवन में मृत्यु भी विजय पाता। आइए मेरे साथ पहला कुरंथी के पुस्तक 15:15 पहला कुरंथी के पुस्तक 15:12 12 पद पढ़ें। पहला कुरंथी 15:12। हालेलुया। यहां ऐसा बोलता सुने इसलिए जबकि मसीहा का 15 पहला कुरंथी 15:12 मिला जी। इसलिए कि जब मसीहा का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीहा भी नहीं जी उठा, और यदि मसीहा नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीहा को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया तो यदि मरे हूं नहीं जी उठते, और यदि मुर्दों नहीं जी उठते तो मसीहा भी नहीं जी उठा, और यदि मसीहा नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पाप में फंसे हो। बरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं
उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आए तो मनुष्यों के द्वारा मरे उनका पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह यीशु में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय मेरे पीछे बोलिए, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए, और जो सो गए उनमें वह पहला फल भी है, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्यों ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, अर्थात जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह यीशु में सब जिलाए जाएंगे। अरे कितना क्लियर है मेरे प्रियो, हमारा मार्गदर्शक हमारा उद्धार करता यीशु मुर्दे में से जी उठा, जो उस पर विश्वास करते हैं हम लोग भी जी उठेंगे। हालेलुया। चाहे आप शरीर का बात करें, शरीर भौतिक का बात करें, चाहे आत्मिक बात करें, अदृश्य रूप में शरीर तो परिवर्तन होके जाता है, शरीर गल जाता है, हो सके वही रूप में आए या जो भी हो, लेकिन यहाँ बोलता भौतिक शारीरिक आत्मिक सब में हम लोग विजय प्राप्त करते हैं मसीह यीशु में। हालेलुया। जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वह पाप का दास नहीं रहते हैं। आमेन। 44:45 इसी का 44:45 यहाँ ऐसा बोलता है, परंतु पहले आत्मिक न था, आदम आत्मिक था नहीं था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हालेलुया। सुनिएगा फिर, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। कुमारी मरियम को गब्रियल ने बोला, देख मरियम तू गर्भवती होगी, तू एक बेटा को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। संसारिक रजविस के द्वारा नहीं हुआ, संसारिक माता पिता के द्वारा यीशु का जन्म, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भांतरित हुए थे, इसलिए वो कहां से थे, स्वर्ग से थे, स्वर्ग चले गए मुर्दों में से जी उठने के बाद। लेकिन पहला इंसान कहां का था, पृथ्वी मिट्टी का था। हालेलुया। इसलिए मिट्टी में मिलना। मेरे प्रियो आप मुझे ये याद करना होगा, क्योंकि अंत में भौतिक शारीरिक मृत्यु पर भी यीशु विजय पा लेते हैं। यदि आप इब्रानी को पुस्तक 9:27 पढ़िए, इब्रानियों 9:27 यहाँ ऐसा कहता है, मृत्यु और मृत्यु के बाद न्याय आवश्यकता पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ बोलता मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद हर एक मरे हुए लोग न्याय के सिंहासन आगे खड़े रहना होगा। हालेलुया। मिला तो पढ़िए इब्रानियों 9:27 पढ़िए। आमेन। हालेलुया। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना आवश्यकता है मनुष्यों के लिए, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमेन। न्याय का होना नियुक्त है। मेरे प्रिय याद कीजिएगा, एक बार हम लोग का मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद न्याय। प्रत्येक दिन आपने क्या किए, आपका बोली, आपका वचन, आपका उठना, आपका बैठना, आपका झूठ बोलना या सच बोलना, सारा चीज लिखा हुआ है। उस दिन आपको डाटा खुल जाएगा। मेरे प्रियो याद करें, आप स्वतंत्र नहीं है, हम लोग यीशु के साथ हैं। इसलिए तो मंडली में आने का आगे जो भी गलती करते थे आपको कोई नहीं देखता था, जब मंडली में आ जाते हैं सब लोग देखते हैं, कारण हम लोग ज्योति में, हम लोग को सब लोग देख लेते हैं, हम लोग कोई भी चीज करें अभी देख लेते हैं, कल नहीं देखते थे। इसीलिए क्यों, क्योंकि वचन कहता हम लोग कहाँ चलते हैं, ज्योति में चलते हैं, ज्योति हम लोग के पास में, अंधकार में बैठने वाले लोग भी हम लोग को देख लेते हैं। मेरे प्रियो इसलिए तो यहाँ बोलता मृत्यु तो आवश्यकता है, मरना है, मरने के बाद न्याय। जो न्याय से नहीं डरते हैं उन लोगों का अंतिम में हम आने वाला दिन बताएंगे नरक का बारे में, नरक में जलती हुई गंधकर आग में कौन कौन लोग जाएगा और कैसे हो वो भयंकर चीज होगा, आने वाला दिन हम उसका बारे में भी बताएंगे। लेकिन मरने के बाद न्याय है, न्याय में वही चीज होगा, आप परमेश्वर का सिंहासन का आगे खड़े रहना होगा और आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपका किया हुआ कर्म को उलट जाएगा उस पुस्तक, और तेरा जगह ये नहीं है बेटा इधर जा, तेरा जगह इधर है,
यीशु के नाम उद्धार होते हुए भी न्याय में हम लोग को रहना होगा। हालेलुया। और फिर रोमी का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे 6:16, 21, 7:5, 13, याकूब का 1:15, तब तो वहां आप जानते हैं पाप का परिणाम मृत्यु बन के आता है। पाप करेंगे मृत्यु होगा। लोग डिप्रेशन में आते हैं, गलती दूसरा नहीं किया है, गलती कौन करता अपने ही से करता है, और डिप्रेशन कौन होता अपने ही से होता, दोष दूसरा को दे कोई दिक्कत नहीं है। और लोग अपने आप में परिस्थिति ऐसे मालूम है, आप जानते हैं सिगरेट खाने वाले पीने वाले लोग या पराग 5000 लेने वाले लोग उसका पीछे क्या लिखता, स्वास्थ्य के लागे लिए हानिकारक है लिखता है, कैंसर का देखा देता है, तो भी लेके लोग खाते हैं, खाते हैं ना। जवान लड़का लोग वो खाओगे तो काहे शादी करना, दुनिया का बेटिकल और अपने आने वाला संतति का काहे लाइफ बर्बाद करना, ऐसे मरना है देख देख के पॉइजन खा रहे हैं हम, लिखता है ना उसमें। दारू जो थोड़ा थोड़ा लेता होगा उसका दवाई के रूप में हम नहीं जानते, हर एक में अल्कोहल होता है, लेकिन जो लेता है अच्छा से उसको मालूम है ये हानिकारक है, मेरा परिवार को उठने नहीं देता, तो भी लेता है, तो काचे के लिए खत्म होने के लिए, लाइफ में और लोगों का चिंता फिक्र नहीं करने के लिए। बाइबल प्रश्न बताता है जो चिंता में है वो पीता है और मशक का रस्सी में चला हुआ जैसा करता है बोलता, उसको दूसरा के लेन देन नहीं है। परिवार में रहने वाले लोग इसीलिए नहीं करना चाहिए वैसा, इसलिए यहाँ बोलता पाप का परिणाम क्या है, जान जान के हम पाप करेंगे। पाप कोई भी पाप हो आप जानते हैं ईश्वर का नज़र में ईश्वर की महिमा जो चीज़ से नहीं होता वो पाप है। कल हम लोग सुल्तानपुर में बता रहे थे परसों एक बात है कि लोग संडे का दिन क्यों नहीं आता, उसी दिन रिजर्व ज़्यादा आता, शैतान बहुत चला के आप काम करते हैं और दिन 500 रुपया देता था उस दिन 800 रुपया देता, अभी आपको यह कलिशी में जाना ऑफरिंग भी डालना सारा चीज़ करना खर्चा खर्चा है, लेकिन यहाँ जाएंगे तो 800 रुपया मिलेगा। अभी आपके ऊपर में शैतान तो इतना अच्छा मीठा चीज़ ला के रख दिया, आपको निर्णय करना है वो एक दिन लिया हुआ 800 रुपया से आपका लाइफ चलेगा, एक दिन का 1500 रुपया रिजर्व से चलेगा नहीं, लेकिन लाइफ में आपका पैसा होगा, आप जो कुछ मांगते हैं प्रभु बोलता तेरा मनोकामना पूरी होगी, सारा चीज आते हुए आत्मा नहीं बचेगा, न्याय का डर मेरे जीवन में नहीं रहेगा, तो भयंकर होगा। इसलिए पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु। पाप क्या है, वही चीज है जो परमेश्वर की महिमा होने नहीं देता है, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरा जॉब हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे मेरा लोभ हो, चाहे मेरा बाल बच्चा हो। कई लोग बाल बच्चा को मिलने के लिए संडे छोड़ देते, वो पाप है जो परमेश्वर की महिमा करने नहीं देता है। देखिए रोमी का पुस्तक 9:10 पढ़ेंगे, कुरंथी का पुस्तक आपको हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि लिखने वाले लोग लिख सके। रोमी का पुस्तक 9:10, 6:2, 5:21, इब्रानी का पुस्तक 2:9, 1 पत्रोस 2:24 यहाँ ऐसा बोलता मनुष्यों का पापों के बदले में यीशु क्रूस पर मरा है मेरे प्रियो। आइए 1 पत्रोस 2:24, 1 पत्रोस 2:24, 1 पत्रोस 2:24 क्या कहता है सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं, मेरे पीछे बोलिएगा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वे क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। मेरे प्रियो मनुष्यों का पापों के बदले यीशु क्रूस पर चढ़ा गया और उसके मार खाने से आप और हम चंगे हो गए बोल के बचनिया कहता है। यीशु क्रूस में उसका पाप के कारण नहीं चढ़ा, हमारा पाप के कारण। सब लोग बोले मेरा पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। वो मर के ऐसे खत्म नहीं हुआ, मूर्तों में से जी उठा मेरे लिए। हालेलुया। और हम लोग उसका अनुयायी है। आज आप विश्वास करते हैं यीशु ने मेरा पाप के खातिर मार खाई, मेरे पाप के खातिर लहू बहाया और वही यीशु के लहू के द्वारा मेरा पाप शुद्ध हो जाता है।
आपको कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपके हृदय यीशु को देना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, वो क्रूस से मरा हुआ यीशु, मुर्दों में से जी हुआ यीशु आपका पाप को क्षमा कर सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो, पापों का बदले में यीशु मरा, या आपको विश्वास करने से आपका पाप क्षमा होता। यदि समय होता तो मत्ती का पुस्तक 8:12 पढ़िए, 25:46 पढ़िए, वहां आप जानते हैं, और नहीं है तो योना की पुस्तक निकालिए 8:24, और प्रकाशित वाक्य कोई निकाले 20:14। आप हम यही अंतिम अंत में पहुंच गए, योना की पुस्तक 8:24, प्रकाशित वाक्य 20:14, योना कोई निकला तो पढ़िए 8:24। यहाँ ऐसा बोलता है, सुने 8:24 में बोलता, हम पढ़ के सुना रहे हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे तो मैं वही हूं, तो अपने पापों में तुम मरोगे। हालेलुया, यीशु तो बोल दिया तुम तो मरोगे तो अपने पाप में मरोगे, लेकिन 24 क्या बोलता है, कह रहे उसमें 14 क्या बोलता, 20 का प्रकाशित वाक्य 20:14, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। अंतिम में मृत्यु और अधोलोक भी झील के, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं परमेश्वर का शत्रु मृत्यु है, वो अंतिम का मृत्यु होता, उसको भी अधोलोक में डाल देगा। मृत्यु से हम लोग अजर बन के जाएंगे मेरे प्रिय। यदि मृत्यु नहीं आता तो आज जनसंख्या कैसे वृद्धि होता था होगा, लेकिन परमेश्वर का योजना का मुताबिक सारा चीज हो रहा है। यदि आप पढ़ेंगे रोमी का पुस्तक 8:2, वहां बोलता और पहला योना 3:14 पर पाप और मृत्यु व्यवस्था से स्वतंत्र है मेरे प्रियो। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आप और हमको यीशु स्वतंत्र करते हैं। हालेलुया। आपको मैं सवाल पूछने चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका अनंत जीवन, आप अनंत जीवन का भागी हैं? क्या आप विश्वास करते हैं आपका पाप के बदले में यीशु मर चुके हैं क्रूस पर? यदि ऐसा है तो सही में आइए हम लोग दुआ करें। अब प्रभु आपका पापों का बदले मर चुका है, आपको कोई चिंता करना नहीं। कई इंद्रजाल वाले लोगों, कई चीजें हो, आपको गलती देखा सकता, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा बोला, ऐसा खाया, ऐसा पिया मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं यही ऑनलाइन यूट्यूब और कलिशिया में हमें एक साथ बोलने चाहता हूँ, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, आपका पाप के बदले यीशु मर चुका है, आपको विश्वास करना होगा। आप जैसे विश्वास करेंगे प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा, ग्रहण करेगा और आपका पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु आप सबों का जीवन अनुग्रह करे। जय मसीह।